गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत आज की एक और नई वीडियो में। सुबह सुबह के 7 के करीब का टाइम हो चुका है और मैं उठ चुका हूँ। हर्ष भाई रात पहुँच चुके थे, आपको पता ही है, वो भी फिलहाल सो रहे हैं। वो बोल रहा 8 बजे से पहले मेरे को उठाना ना। मैं चल कोई चक्कर नहीं, मेरे को क्या करना उठा के। तो अभी आपको सुबह सुबह का नज़ारा दिखाते हैं जी, गुरुद्वारा नाडा साहिब से बाहर का बहुत ही औसम व्यू है। और ठीक है, दिखाते हैं पहले। तो सबसे पहले तो ये दोनों कैंप लगा रखे थे यहाँ पर, ये अर्श वाला है और वो मेरे वाला है। उसमें हम सो गए थे, सामान हमने ऐसे ही रखा था बाइक के ऊपर, क्योंकि सामान ये तो उतार नहीं था इसमें, तो इसका तो कोई चक्कर ही नहीं। इसमें बर्तन वगैरह है, बाकी जो मेन मेन सामान था ना वो हमने इस कैंप में रख दिया था अर्श वाले में, और उसमें सो गए थे। तो ठीक है, अभी दिखाते हैं आपको सुबह सुबह का नज़ारा। हा 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 हा, भाई साहब सूर्य देवता हल्के हल्के निकल रहे हैं, मतलब सनराइज हो रहा है धीरे धीरे। और ये इधर का नज़ारा है, ये हरियाणा की वादियाँ मतलब पहाड़ियाँ हैं भाई, यहाँ से शुरू हो जाती हैं और आगे मोरनी ही तक हरियाणा रहता, उसके बाद हिमाचल शुरू हो जाता आगे की तरफ जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे। और ये इधर एक हॉस्पिटल है साथ में, और ये है जी गुरुद्वारा साहिब की पार्किंग जहाँ पर हमने कैंपिंग कर रखी थी। तो ठीक है, अभी फ्रेश वगैरह हो खा के, चाय पानी वगैरह पी के, फिर आपको दिखाते हैं बाहर का गुरुद्वारा साहिब का नज़ारा, और देखते हैं हर्ष भाई कब तक उठते हैं। हम तो अपना आपको पता ही है, उठ ही जाते टाइम से। तो ठीक है, फिलहाल पहले फ्रेश वगैरह हो कहते हैं। तो लो जी, सुबह सुबह गुरुद्वारा साहिब में चाय पीने आया था, चाय के साथ दो दो ब्रेड देते हैं यहाँ गुरुद्वारे में। और ठीक है, अभी चाय पीते हैं और फिर चलते हैं। हर्ष भाई अभी भी सो रहा है, नहीं तो मैं उसके लिए चाय लेके चल जाता, बाकी अभी सो रहा है, मेरे को उठाना नहीं है, इसलिए मैं चाय लेके नहीं जाऊँगा, थोड़ी देर में खुद ही आ जाएगा। और ये लंगर वाला गुरुद्वारा साहिब का, और सामने जी गुरुद्वारा साहिब। चलो जी, टाइम हो चुका है लगभग 11 के करीब का हो गया ना। हाँ, मैं भी उठ गया हूँ भाई। उठ गया भाई साहब, जनाब जी उठ गए हैं। बड़ी देर, बहुत लेट सोया था। हाँ, एडिटिंग करने में बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा आईफोन में दिक्कत। तभी मैंने ज्यादा फिर इसको फोर्स भी नहीं किया है, उठ मैंने नहीं बोला, मैं आराम से मजे लो यार, मजे से सोया था। लेकिन अपन ने कोई दिक्कत है नहीं, अब हमारे साथ में ना तो ज्यादा किलोमीटर रन नहीं करना, टेंशन नहीं करनी, आराम आराम से जगह एक्सप्लोर कर रही है, मजे करने मजे करने। तो ठीक है, इसलिए अभी हमने ज्यादा इसको उठाया नहीं है। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, लंगर छकने और अंदर गुरु साहब के दर्शन करके आएंगे, मत्था टेकेंगे। फिलहाल दिखाते हैं आपको सामने का नज़ारा, दोबारा फिर रौनक होने लगी है जैसे रात थी। और सुबह आपको दिखाया था तब तो बिल्कुल भी था, अब धीरे धीरे श्रद्धालु आने लगे। इधर बस भी लगी है जो पंचकूला से आती है सीधी यहाँ तक, और यहाँ छोड़ के सवारियाँ फिर चली जाती है। इसका भी कोई टाइमिंग होगा पता नहीं फिलहाल। तो यह जी सामने गुरुद्वारा साहिब, अभी चलते हैं अंदर, मत्था टेकते हैं, उसके बाद लंगर हाल जाके लंगर छक के। अर्श भाई ने तो शाम को भी लंगर नहीं छका ना, अर्श कल रात को कुछ भी नहीं, ये तो मतलब भूखा रहा, 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 रहा। हाँ, भूखा शेर की तरह सोता रहा, तभी लेट उठा है। ठीक है, बात नहीं, अब मैं कसर पूरी कर दूंगा। हाँ, अब ठीक है, अभी चलते अंदर मत्था टेकने के बाद लंगर छक के, फिर जल्दी जल्दी आगे पैकिंग करके चलते शिमला की तरफ। मौसम भी खराब है ना, बारिश आ गई ना, दिक्कत हो जानी है। मौसम दिखा, आज आपको एक्सप्लोर करेंगे असली वाला। और मौसम देखो भाई साहब एक बार, ऊपर मौसम देखो, पूरी संभावना बारिश आने की। मैंने सोचा आज मौसम साफ हो जाएगा, बट हुआ नहीं है। तो लो जी, यहाँ से अर्श भाई ने ना सिर पे बांधने के लिए, मिला नहीं? नहीं नहीं भाई, आगे से मिल जाएगा। सिर पे बांधने के लिए पटका टाइप होता वो लेना, जैसे ये लगे हुए इधर, ठीक है। हाँ ये वाला।
चलो जी सारे काम निपट चुके हैं, लंगर छक लिया है, भगवान जी को प्रणाम कर लिया है, और एक दो मतलब सिर पे ढकने के लिए ना पटके जो पटके होते हैं ना वो भी ले लिए हैं, भाई ने भी ले लिया है, दो अर्श भाई ने एक महीने, क्योंकि हेलमेट के नीचे लगा के रखना पड़ता है ना, अगर एकदम से हेलमेट उतारेंगे ना तो फिर सर्दी लग जाती है, अगर पटका बंधा हो ना नीचे मतलब कुछ भी बंधा हो तो एकदम से सर्दी नहीं लगती तो हेल्थ भी ठीक रहता है। तो ठीक है अपना काम निपट चुका, अभी जाकर ना कैंपिंग मतलब टेंट होल्ड करने पैक करते हैं फिर निकलते हैं, यहाँ से अपन सोलन की तरफ जाएंगे आज। और सोलन भी पक्का नहीं, मतलब अपन को जो ब्यूटीफुल जगह मिलेगी वहाँ चले जाएंगे, बस जाना तो उधर ही है, जहाँ भी जगह मिली वहीं पर कैंप गाड़ के शाम को खाना बना लेना बस बस। ओ भाई मेरे को लग रहा है जो ना बादाम वगैरह पड़े थे ना मेरे को निकाल नहीं मूंगफली है भाई, शुक्र है बच गए। मेरे को तो ये था उस दिन वाला काम हो गया, जैसे उस दिन पंजीरी खा गए थे ना बंदर, वाह जी ठीक है बच गए, ये तो कहीं और से लाया शायद, अपने टेंट में तो नहीं घुसा होगा, देखते हैं बाकी, नहीं यार इसमें नहीं घुसा होगा, इसमें नहीं है भाई, शुक्र है यार, नहीं तो सारे कपड़े वगैरह फाड़ देते हैं ये, उस दिन इतना मजबूत बैग फाड़ दिया था तो ये तो चीज ही क्या, मेरे को ऐसा कैंपिंग टेंट वगैरह फाड़ के अंदर ना चला गया भी, अंदर से सामान ना निकाल के लाया हो, ठीक है फिलहाल बच गया, अभी कैंपिंग टेंट फोल्ड करते हैं और सुबह ही फ्रेश होने गए तब तक मतलब फ्रेश होके आ जाते हैं, फिर हम चलते हैं शिमला की तरफ जल्दी जल्दी से। तो लो जी टाइम हो चुका जी दोपहर के 1 बजे का, हम कितने मतलब तेजस्वी तैयार हो चुके, फ्रेश हो चुके, एक्साइटेड हो चुके रोड के ऊपर मजे करने के लिए, कितने तेजस्वी हैं हम, रात को एक कितने बजे सोते हैं, 11-12 बजे सोते हैं, 4 बजे सुबह पता कितने बजे उठते हैं, सुबह उठते हैं ये सुबह उठते हैं हम मतलब हम सभी सुबह उठते हैं हम 11 बजे उठता हूँ मैं 11 बजे उठता हूँ समझ रहे ना 11 बजे उठते फिर फ्रेश हो रही है एडिटिंग में बहुत ज्यादा भी नया फोन लिया उसमें एडिटिंग में दिक्कत आती है, कोई नहीं भाई कल को मैं 7 बजे उठा देना चाहे तो उठे, आज मैंने इसलिए नहीं उठाया क्योंकि लेट आया था आपको पता ही है, कल नहीं भाई कल 7 बजे उठा देना मेरे को, चाहे कुछ करना पड़े उठा देना यार इतनी लेट फिर ना ज्यादा लेट, मान लो 1 बजे अब यहाँ से चलेंगे, अभी वार्म अप के लिए बाइक स्टार्ट कर दिया, अभी ठंडी हो रही कितनी वार्म अप हो जाएंगी, सामान वगैरह रेडी कर दिया, सो आपको पता सामान रखने में भी आधा घंटा लग जाता है लगभग, कम से कम बताया आधा घंटा लग जाता है, तो फिर चलेंगे अब 1 बजे चलेंगे, कब तक चलेंगे फिर खाना भी बनाना है रुकना भी है, तो आज थोड़ा जल्दी रुक जाएंगे क्योंकि खाना खुद बनाना है, आज आपको ना अर्श भाई का ज्यादा तेल वाला तड़का दिखाएंगे मारेगा ये भाई अटैक करवा के, इतना ऑयल डालता है ना, अब ऑयल कम रखना और मसाले वगैरह भी कम रखना नहीं तो मसाले फिर तंग करते हैं अगले दिन ठीक है अभी चलते यार रास्ते में जाकर मिलते जहाँ पर चाय वगैरह पियेंगे ना। चलो जी पहुंच चुके हैं पंचकुला मेन चौक का, इधर का मेन हाईवे लेफ्ट साइड जाता है जीरकपुर की तरफ, राइट साइड जाता है शिमला की तरफ, हमें जाना इधर शिमला की तरफ राइट साइड, तो फिलहाल अभी 32 हो चुकी है 34 33 32 31, अभी आधा मिनट लग जाना है तब तक वेट करते हैं यहाँ पर, और भाई अर्श भाई के नज़र पट्टू भी लगा रखे हैं भाई, भी नज़र ना लगे जूते नीचे लटका रखे जैसे इसकी आदत है। लो जी अपने बाईसा महाशय इतनी फास्ट चल रहे हैं कि रलने का मौका नहीं दे रहे, मैं काफी देर से देख रहा हूँ मिलता भाई इतनी जल्दी क्या, कौन से जंगल में आग लगी हुई है, जंगल में तो कोई बता रही मेरी बाइक नहीं, मेरे को लग रहा है भाई किसी जंगल में आग लगी है सुपर फास्ट, और आपने आग बुझाने सुपर फास्ट नहीं भाई, भगवान का शुक्र करो हम एक बार बच चुके हैं एक्सीडेंट हो गए और दोबारा नहीं चाहिए भाई, थोड़ा सेफ्टी गियर हाँ मतलब ठुकना है दोबारा ठीक है भाई, ये सेफ्टी सुफ्टी रखी रह जाएगी पहली बार बच गया बचेंगे भी नहीं, तो थोड़ा आराम से चल भाई, इतनी जल्दबाजी हमें नहीं है, आराम आराम से
अभी हमने जीना है, अभी तो हमारी शादी भी नहीं बोल रहे बोल रहे अगर कोई लड़की हो तो भैया जी के लिए भेज देना सेम टू यू ठीक है भैया, तो अभी चलते हैं, राम राम से चलेंगे, आगे कहीं चाय पीते हैं। हम लगभग सुबह 1 बजे से चले हुए हैं इतनी जल्दी चले कि हम थक चुके हैं, और चाय पीते हैं फिर आगे का सफर कवर करते हैं। तो ये है जी HMT, मतलब यहाँ कभी HMT ट्रैक्टर बना करते थे, फिलहाल अभी ये कंपनी बंद हो चुकी है। कंपनी बंद मतलब ये ना गवर्नमेंट की कंपनी थी, मतलब गवर्नमेंट इसे चलाया करती थी, फिलहाल धीरे धीरे पता नहीं क्या चक्कर हुआ ये सारी बंद हो चुकी है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, ऐसे ही सुनसान उजाड़ सा पड़ा हुआ है सारा एरिया। शायद एक तो स्कूल वगैरह होंगे शायद इसमें बना रखे होंगे, बाकी और कुछ नहीं है। तो लो जी अर्श भाई तो मिल गए, बट वो मिले पता कहाँ पर, ये देखो भाई साहब चाय की दुकान पर। अरे भाई चाय, पता है ना, ना चाय के चक्कर में ना बिल्कुल फास्ट आया भाई, पीछे पिंजौर गार्डन का रास्ता भी नहीं, वहाँ भी नहीं रुका। देखो तुम्हें कौन मिल रहा पीछे, ये तो अपने बेली हैं, यार बेली हैं, कल भी मिला था एक उनको बिस्कुट खिलाया, आज बिस्कुट खाएगा, ये भी खाएगा बिस्कुट खाएगा, तू खाएगा ठीक है। फिलहाल चाय पीते हैं, अभी मिल गया पिंजौर गार्डन, फिर कभी दिखा देंगे, अभी तो आगे निकले हैं काफी ज्यादा, आगे और कुछ बहुत कुछ दिखाने का, वो दिखाते हैं और चाय पीते पिएगा। तो जी चाय अपनी आगे गर्मा गर्म, साथ में अंकल जी लेके आए जी मट्ठी, दे दो अंकल जी पकड़ी भाई। तो ठीक है अभी चाय पीते हैं। तो लो जी वेलकम टू हिमाचल प्रदेश, हम हिमाचल में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर एक टूल टैक्स है, यहाँ पर टूल टैक्स कटता है और फिर जाते हैं आगे की तरफ। फिलहाल हमारा तो टूल टैक्स कटना नहीं, बाइक पर है और मैं अभी वेट कर रहा हूँ अर्श भाई की, पता नहीं किधर रह गया अर्श भाई, फिलहाल लेट ही कराएगा भाई। और अभी सोलन यहाँ से 35 किलोमीटर के आसपास रह गया, उससे पहले एक दगसाई जेल है वो दिखाने की सोच रहा है, क्योंकि पहले मैं गया था तब तो कोरोना के चक्कर में खुली नहीं मिली, अब देखते हैं अगर किस्मत में हुआ तो वो जरूर दिखाएंगे, देखने वाली चीज़ है। तो ठीक है फिलहाल यहाँ से चलते हैं जल्दी जल्दी आगे। चलो जी अभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है, ज़्यादा बारिश शुरू होगी फिर प्रॉब्लम हो जाएगी अगर भीग गए तो, इसलिए मैं सोच रहा जल्दी जल्दी निकलते हैं और देखते हैं दगसाई जेल तक पहुंच पाते हैं, मतलब वो आज दिखाते हैं या कल दिखाते हैं। फिलहाल आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, वो पीछे लाइन में गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ये पीछे काफ़ी मतलब नए साल की वजह से ना काफ़ी टूरिस्ट जा रहे हैं शिमला की तरफ, शिमला में मनाते हैं ना ज़्यादातर लोग नया साल, शिमला या जैसे मसूरी हो गया हिल स्टेशन पर सभी मनाते हैं, तो इसी चक्कर में ना काफ़ी ज़्यादा मतलब गाड़ियाँ वगैरह आ रही हैं बाहर की स्टेट की, और मेरे को लगता है शिमला में ना पूरा ज़्यादा क्राउड मिलेगा, बट हम तो शिमला 2-3 दिन बाद ही पहुँचेंगे, तब तक क्राउड भी ख़त्म हो जाएगा, फिर घूमने का अलग ही मज़ा होता है, क्राउड में मज़ा नहीं आता भाई, हर जगह भीड़ ही भीड़ मिलती है, और शायद स्नोफॉल भी देखने को मिले, बाकी मिले ना मिले पक्का नहीं कह सकते, वो तो जैसा भी होगा आपको दिखाएंगे। सोचकर तो मसूरी भी यही कहते कि स्नोफॉल मिलेगा बट मिला नहीं है। तो ठीक है फिलहाल यहाँ से जल्दी जल्दी चलते हैं और देखते हैं बारिश का क्या हालात रहता है, ज़्यादा आती है या नॉर्मल इतनी चलती है, अगर इतनी चलती रही ना कोई दिक्कत नहीं, फिर तो चलते रहेंगे आराम से। तो लो जी बारिश तो चले जा रही है और अर्श भाई पीछे है ही, उसकी वेट के चक्कर में ना शेड के नीचे रुक गया हूँ, यहाँ सामान भीगने से बच जाएगा, इसलिए मैं सोचा यहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि आगे क्या पता कहाँ जाकर जगह मिले, और वो अभी पीछे ना कोई लोकेशन है वहाँ पर रुका हुआ है, देखते हैं कब तक आता है, फिर कुछ हल्का फुल्का खाते हैं, यार भूख लग चुकी है दोबारा, आपको पता ही काफ़ी देर से चले हुए हैं वो, काफ़ी ज़्यादा देर से फिर भी हो जाता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाते हैं फिर आगे चलेंगे, देखते हैं दगसाई जेल तक कब तक पहुंच पाते हैं। और भाई सोलन कितनी दूर है यहाँ से, सोलन हाँ जी 25 किलोमीटर, ठीक है जी ठीक है, सोलन 25 किलोमीटर रह चुके हैं भाई लोग, यहाँ पर ना गाड़ी रोक के ना खाना खा रहे हैं आराम से, रुके हुए थे मैं भी यहाँ पर रुक गया, तुम तेज चला रहे हो मैं तो आराम से चला रहा हूँ, अरे मैं आराम से चला, तू रुक के ना ज्यादा टाइम रुकता है ना, कोई चक्कर नहीं मैं भी बिल्कुल आराम से चलाऊंगा, ये उल्टा सिस्टम हाँ मान गया, अरे हाइट है ना थोड़ी खींच के रखनी पड़ती है, बाइक का जोर लगता है ना, कोई नहीं शायद उल्टा असर हो गया, पहले तू तेज था अब मैं तेज हो गया हूँ, ठीक है अभी
थोड़ी देर यहाँ पर रुकते हैं और कुछ चाय वगैरह दोबारा ला है क्या? सामने मैगी मिल रही है, मैगी पहाड़ों में आए और मैगी नहीं खाई, ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता मैगी है, खाना पड़ती है, हो सकता है भाई नहीं खाएंगे क्यों नहीं हो सकता ये? जब नहीं तो भाई स्मेल बड़ी मार रही तेरे वाली बाइक। अब नहीं मार रही? अरे मार तो रही है क्लच प्लेट इसकी। और भाई ये नहीं मार रही है भाई? और कौन सी मार रही है? चलती फिरती गाड़ियों की स्मेल आ रही है क्या? तो ठीक है फिर हर्ष भाई की ख्वाहिश पूरी करते हैं, मैगी खाते हैं। मैगी खाएगा तू? खाएगा तो, खाएगा तो, पिएगा तो, जाएगा तो। ठीक है फिर, किधर है वो सामने? मैगी नहीं खाते वो, ये खा लेते हैं। मैगी नुकसान करती है ना? नहीं नहीं, मैं मैगी खाता हूँ, मैं नुकसान करा दूंगा थोड़ा सा। और तुम चूल्हे खा लो, तुम फायदा करोगे। नहीं मानोगे? नहीं मानेगा तो ठीक है भाई, इसे मैगी खिलाते हैं, हम भी खा लेंगे फिर, और क्या ऑप्शन ही नहीं है। खाना तो पड़ेगा, मैगी वाले ही सामने, मैगी वाले। ठीक है वहीं चलते, दिखाता हूँ आपको, मैगी भी है और वहाँ पर और भी कुछ मिल रहा है, मतलब कुलचे, छोले कुलचे टाइप। मैं छोले कुलचे खा लूंगा, ये मैगी खा लेगा। मैगी यार मैदा ज्यादा होता है ना, तो नुकसान करता नहीं होता है। मतलब जो मैं खाऊंगा ना वो अच्छा ही होता है ना, जो तू खाएगा वो भी अच्छा ही होगा। ठीक है चलते हैं, वो सामने है जी, वो सामने मैगी पॉइंट है। ये रहा जी मैगी पॉइंट, चलते हैं क्रॉस करते हैं रास्ता आराम से। तो लो जी पहुंच चुके भैया जी के पास। भैया जी के लिए बना दो मैगी, इसमें मिर्च। चाचा? अच्छा चाचा जी है, चलो आपके चाचा जी होंगे, कुछ भी लगा लो भैया। आपको क्या अच्छा लगता है, चाचा या भैया? अरे बोल दो जो भी अच्छा लगता है, शर्माते नहीं है। भाई जी बढ़िया ना? वाह जी वाह, तो फिर मेरे लिए अच्छा कुलचा बनाओगे ना? मैं भाई जी बोल रहा हूँ, ये चाचा बोल रहा है। मिर्ची ठोक के डाल दो इस वाले में, और मसाला भी ठोक के पूरे तेज वाला डाल दो, और तेल डालो। ओके जी, तो भैया कुलचा ही बना दोगे का? कुलचा? वाह जी वाह, ठीक है कुलचा ही बना दो मेरे को। तो मेरे को नहीं, मतलब मैंने कुलचा खाना, मेरे को कुलचा बनाओ। नहीं मेरे को कुलचा बनाया जाए पहले, मेरे को आदमी रहने दो, मतलब कुलचा मेरे लिए बना दो। अर्श भाई को मैगी मेरा नहीं खाते हैं, पर एक कुलचा खाएंगे। अर्श भाई को मैगी, अर्श भाई को मैगी बना दो। भैया कहाँ से हो आप? मथुरा। ओ भाई साहब, सच्ची में अर्श भाई के अंकल जी मिल चुके हैं। मथुरा, मथुरा, आगरा, मथुरा, आस पास कॉम्बिनेशन हो गया। ये पेड़ लो जी, ये मथुरा का मैं पेठा हूँ, ये पेठा है आगरे का और मथुरा के पेड़े हैं। ओ भैया ये आपके पड़ोसी हैं, काफी दिन बाद मिले आप दोनों, है ना? वाह जी, अब देखो चाचा लगता साडा। हाँ फिर अच्छा, भगवान ने मतलब सच निकाल दिया आपके मुँह से। वाह जी वाह, ये तो फिर गुआंडी गुआंडी हो गए भाई, तार मिल गए दोनों के। एंटीना एक हो चुका है, तभी तो भैया जी ना अदरक डाल के दिखाते। अर्श भाई साइड में हो ना, अदरक ना काफी ज्यादा डाल दी भाई, लगे रहे काफी टाइम से, लग रहे अदरक डाल ले जा रहे, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने वैसे ही सडनली पूछ लिया, मैंने पूछ लिया भैया जी आप कहाँ से हो, वो रे आगरा। फिर मैंने सोचा ये तो अर्श भाई का गुआंडी है, तो अब तो अच्छे वाला होना ही होना। ठीक है भाई, अब कैसी बनी है मैगी? ओ बेहतरीन, गुआंडे ने बनाई साडे। ओहो वो जी अपना कुलचा भी आ चुका है, ये भी मस्त वाला ही बना है। टेंशन नहीं, परवाह टूटे लाल दी। हाँ जी, सूरज भी निकल आया। आए हाय ओए, मौसम साफ हो चुका है। ओहो देखा ना किस्मत कितनी अच्छी है, सूर्य देवता भी निकल चुके हैं। उम्मीद है कल को सूर्य देवता अच्छे से निकल जाए ना, और शिमला में स्नो हो जाए। आए हाय ओए, मजा आ जाएगा, हमारा न्यू ईयर ना मस्त वाला होगा, मजा आ जाएगा। चलो जी हम धर्मपुर सिटी में पहुंच चुके हैं, यहाँ से दगसाई जेल ना जहाँ पर हमने जाना है 6-7 किलोमीटर हाइट पर है, और जो मतलब मेन रोड से उसका रास्ता कटना ना ऊपर की तरफ वो है जी 3-4 किलोमीटर के करीब। तो हम सोच रहे हैं कि वहाँ तो जाया नहीं जाना, क्योंकि हाइट भी है और वहाँ पर खोक वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती ना, तो धीरे धीरे चलना पड़ता है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि पहले यहाँ पर कैंप लगा लेते हैं, सुबह निकलेंगे यहाँ से, और सुबह मतलब 10-11 बजे जब भी उठेंगे तब निकल जाएंगे दिक्साई जेल के लिए। तो फिलहाल कोई जगह ढूंढते हैं, ढाबा वगैरह ढूंढते हैं, वहाँ पर कैंप लगाते हैं। तो लो जी फिलहाल मेरी बाइक में ना ऑयल कम हो चुका था, दिखाता हूँ आपको, पेट्रोल कम है तो पेट्रोल डलवा लेते हैं, ज़्यादा नहीं सिर्फ 500 के करीब का डलवाएंगे। लाल बत्ती आ चुकी है, मतलब ऑयल कम है, 500 के करीब का डलवाते हैं, उसके बाद आगे फिर डलवा लेंगे। फुल नहीं करवाऊंगा, क्योंकि कई बार ना रात को खड़े हुए ना इसका ऑयल वगैरह मतलब मतलब होता तो नहीं है, बट फिर भी ना टैंक फुल होना तो दिक्कत सी रहती है, भी कहीं ऑयल लीक ना हो जाए नीचे, मतलब कहीं से भी कुछ भी हो जाता है दिक्कत हो जाती है। इसलिए 500-700 का बहुत होता है, दोबारा फिर डलवा लेंगे। ये रेल लद्दाख तो है नहीं है भी, यहाँ पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, हर जगह पेट्रोल पंप है तो कोई दिक्कत है नहीं। 500 का डलवाते हैं और फिर चलते हैं आगे, देखते हैं जगह ढूंढते हैं कैंप लगाने की।
जी हम पहुंच चुके धर्मपुर में और मैंने आपको दिखाना था यहाँ पर भी ना टॉय ट्रेन चलती है जो कालका से शिमला चलती है। टाइमिंग तो फिलहाल पता नहीं है बट चलती है और जब स्नो में चलती है ना बहुत ही नज़ारा आता है। फिलहाल कभी इस पर भी मतलब ट्रैवल करेंगे, अभी तो नहीं करेंगे क्योंकि बाइक है हमारे साथ हमारे पास। और ये यहाँ का रेलवे स्टेशन है धर्मपुर हिमाचल का, वो सामने नीचे सुरंग में से निकल के जाती है और काफ़ी ज़्यादा सुरंगें और पहाड़ों को कवर करते हुए जाती है। आप देख सकते हो छोटी छोटी पटरी है भाई, इसकी टाइमिंग पता है? हेलो छोटू, ये ट्रेन कब आती है? अभी आती नहीं है पर टाइम नहीं पता है। अच्छा आती है तो मतलब चल रही है फिलहाल, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखेंगे आने वाले टाइम में कभी यहाँ भी ट्रैवल करेंगे। सेम ऐसी टॉय ट्रेन उधर भी चलती है सिलीगुड़ी में, वो भी हमने दिखाई दी जितनी हो सकी, क्योंकि वो भी थोड़ी सी बहुत पीछे जाती हुई दिखाई दी, तब उसके बाद तो फिर वो मिली नहीं किधर चलेगी। ठीक है फिलहाल चलते हैं आगे, आराम से निकलना भाई। और भाई साहब ये सामने दगसाई वाला रास्ता आ चुका है, ये देखिए दगसाई छावनी में आपका स्वागत है। मतलब यहाँ पर आर्मी कैंट भी है और ऊपर दगसाई जेल भी है, सारा आर्मी एरिया है और काफ़ी ज़्यादा हाइट है भाई साहब। मैं पिछली बार गया था ना तो बाइक की पूरी ऐसी तैसी हो गई थी। फिलहाल अभी यहाँ रुकने की जगह देखते हैं, ये जगह दिखाई दी शेल्टर है दगसाई बस शेल्टर, तो यहाँ सोच रहे हैं यहाँ कैंप भी लगा लेंगे। साथ में भैया ना गड्डी के पीछे ना राजमा चावल की दुकान भी है तो वहाँ से खाना भी खा लेंगे। यहीं पर कोई रुकने की जगह बनाते हैं फिलहाल और जैसा भी आपको दिखाएंगे। और ऊपर जाकर ना ठंड बहुत ही ज़्यादा भाई, पहले मैं गर्मियों में आया था जून जुलाई में, तब हाँ जून जुलाई में आया था तब ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड थी और अब तो फिर भी सर्दियाँ आपको पता ही कितनी ठंड होगी। फिलहाल जगह का प्रबंध करते हैं और सूर्य देवता देखो भाई साहब क्या मस्त वाला नज़ारा है ना। तो लो जी हमारा टाइम हो चुका है खाना खाने का, यहाँ पर राजमा चावल मिल चुके हैं। फिलहाल जल्दी इसलिए खा रहे हैं क्योंकि ये भैया लोग ना सामान पैक करके जा रहे हैं, रात को रुकते नहीं है ये। सुबह भैया 6:30 बजे आ जाओगे? सुबह 6:30 बजे तक आ जाएंगे और शाम को ऐसे चले जाते हैं। तो फिलहाल हम अभी ना कैंप लगाने की जगह डिसाइड नहीं कर पाए कहाँ पर लगेगा, पहले खाना खा लेते हैं बाकी टेंशन बाद में देखेंगे। ठीक है मिलता है खाना खाने के बाद। और अंकुश भाई की कॉल आ गई, पहले कॉल उठा लूँ। तो अभी ना शाम के 6 का टाइम हो चुका है और अपने राजमा चावल आ चुके हैं, खाए जा रहे हैं साथ में बातें करे जा रहे हैं। और अभी टेंट लगाने की जगह नहीं मिली भाई साहब और ठंड हो रही है बहुत ही ज़्यादा, देखिए आ रही है ना ठंड बहुत ज़्यादा, थोड़ी हाइट पर है ना। और कल जाना दगसाई जेल ऊपर और ज़्यादा ठंड हो गई। हाँ जी जल्दी डालो, अगर और राजमा चाहिए चावल चाहिए तो दे देंगे वो। नहीं बस फिलहाल इतना ही हो गया यार, रात को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ठीक है फिलहाल मिलते हैं खाना खाने के बाद। मिलेंगे खाना खाने के बाद कि नहीं मिलेंगे भैया? रात तो ठीक है, सुबह जंगल पानी की जाए तो बता दो। रात तो ठीक है, सुबह जंगल पानी की जाए तो बता दो। सुबह 6 बजे सुबह बता देना। जंगल पानी की जगह टेंशन है, टेंशन बहुत हो जाती है हमें। जंगल पानी तो सारा जंगल है, पानी भी बाधू है, बाकी समझदार हो। ठीक है फिलहाल बहुत टेस्टी है राजमा चावल भाई, और ठंड में गर्मा गर्मा ना तो और भी ज्यादा मजा आ रहा है। ठीक है मिलते हैं थोड़ी देर बाद। टन। तो लो जी अपने को कैंप लगाने की जगह मिल चुकी है, जगह कौन सी है ये आपको सुबह दिखाएंगे। काफी मस्त जगह, काफी जद्दोजहद के बाद ऐसी जगह मिली है, मतलब बहुत ही खूबसूरत करी दिखाएंगे बढ़िया वाली। जब सुबह से यहाँ से व्यू दिखाएंगे ना, हाँ मन शांत हो जाएगा, मजा आएगा। तो ठीक है दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको पता ही है हमने दिखानी है दगसाई जेल, जिसके जस्ट हम बिल्कुल नीचे ना तलहटी पर बैठे हैं। सुबह सिर्फ चढ़ाई ही शुरू करनी है और वहां दिखा के दोबारा फिर यहां पर खाना खा के निकल पड़ेंगे शिमला की तरफ। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।